सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड डायमंड्स इन माइनक्राफ्ट 1.21। सो चले जाना है आपको एक सबसे पहले एक केव में। किसी भी केव में जाके आपको डिग करना है बेड रॉक लेवल तक। तो मिलते हैं आपको जल्दी डिग करने के बाद। सो फाइनली कर लिया हमने -60 तक बेड रॉक लेवल तक डिग। अब हमको यहाँ पे TNT बिछाने के लिए एक लाइन खोदनी है सामने तक। जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी लाइन कर देना आप भी। सो फाइनली कर लेना है यहाँ पे TNT प्लेस। पूरे में TNT लगा देने हैं यहाँ पे, जितने हो सके उतने ज़्यादा TNT लगा देने हैं, ताकि जितना भी गड्ढा हो बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा डायमंड मिले। और अब लगा कर देते हैं इन्हें, TNT को ब्लो कर देते हैं। सो फाइनली TNT जल चुका है, अब यहाँ पे पूरे में गड्ढा हो जाएगा। तो पूरी केव बन चुकी है। अब हम यहाँ पे टॉर्च ला के देखेंगे हमें कितने डायमंड मिले यहाँ पे। सो फाइनली हमको एक डायमंड तो दो डायमंड यहाँ पे तो गाइस बहुत सारे डायमंड दिख रहे हैं मुझको। अभी तोड़ेंगे, पहले पूरे देख लेते हैं कितने डायमंड मिले हैं टोटल हमको। वैसे तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे डायमंड है, तो मैं पूरे तोड़ लेता हूँ और मिलता हूँ आपको गाइस बिल्कुल अभी। सो फाइनली हमने सारे डायमंड कर लिए कलेक्ट और हमारे पास हो चुके हैं टोटल मिला के 12 डायमंड्स। और आप भी ऐसे ही बहुत सारे गड्ढे कर करके जितने चाहे उतने डायमंड इकट्ठा कर सकते हैं। मुझे 2-3 डायमंड और मिल गए। सो फाइनली हमारे पास 15 डायमंड हो चुके हैं, और आप और भी ज़्यादा करके और ज़्यादा डायमंड इकट्ठा कर सकते हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने बहुत सारे TNT ब्लो करके जमा कर लिए हैं, टोटल 25 डायमंड्स। और आप भी इसी तरह डायमंड इकट्ठा कर सकते हैं यही वाली ट्रिक यूज़ करके। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।